पास में आ जाते हैं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो आपको स्ट्रेस फ्री महसूस होगा। ये है मॉन्स्टर अच्छा सा शैम्पू जिससे इसका फर खूबसूरत हो जाए और ये हीरो जैसा दिखने लगता है। आदित्य का काम है अंदर से सारी मैट्स निकाल के बाहर रखनी है और मेरा काम है कि मैट्स को मैं क्लीन करूँगा। घर गंदा हो गया तो अभी सारा धुलवाऊंगी तुम दोनों लोगों से। तो भाई पेट्स पालना इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है। हाँ वैसे भी होली आने वाली है, भीग जाएगी तो क्या है। पहले उस बच्चे को घुस दो। मोमोस खाने? मोमोस खा लो। दिवाली दिवाली आने वाली है। लो पहले मोमोस खाओ बिना डोसे के। नहीं मेरा नहीं है ये कुछ। अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज लाइक करिएगा और नहीं लगी है तब भी लाइक कर दीजिएगा। इस बार तो कर ही दीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम हैं आज घर में। और आज आपको मैं मिलाता हूँ अपने पेट्स से। देखिए ये हैं, इनसे तो आप मिल चुके हो। और जो नहीं मिले हैं भाई वो देखिए मैक्स। अब इतना शैतान है ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे भाई अंदर रखना पड़ता है। किसी का भी घर में आना बर्दाश्त नहीं करता है। इसको नहलाना है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है बाहर आते ही। यहाँ आ जाओ, यहाँ शैम्पू कहाँ गया इसका? मैच मजा आ गया तो भाई पहले ट्रिक शैम्पू लगाया है इसके और अब इसके फर के लिए लगाएंगे अच्छा सा शैम्पू जिससे इसका फर खूबसूरत हो जाए और ये हीरो जैसा दिखने लग जाए। हो गया तू? हो गया? पहले से उसके बाल अच्छे हो गए ना। अब ये कब जाएगा कैंपिंग में तुम्हारे साथ? मैं तो रहता तैयार हो जाता है जैसे ही मैं चेन हाथ में लेता हूँ, एकदम रेडी हो जाता है कि बस अब निकलना है बाहर। बस गुस्सा दिखाता रहेगा, बस सब पे गुस्सा। मुखी तो धुलाओ उसकी। हाँ पेस्ट भी करा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा वाला ब्रश लो। थोड़ी सी कॉम भी कर देते हैं ना इसके। चुटिया भी बना दो इसकी। नहीं वो खराब बाल जो हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे ना। ये ही सबसे गंदा काम लगता है मुझे इसका। मैक्स नहा चुके हैं, अब बारी है हमारे और भी भाई लोग हैं भाई जो यहाँ रहते हैं उनकी साफ सफाई की। और ये देखो ये हर समय भूखा रहता है, भूखा कुछ मर रहा है बस की बस है हाथ में। और भाई बिल्कुल सीधी है ये हमारी गाय, बहुत सीधी है ये। और हाँ करो नहलाओ सही से फटाफट। और ये देखिए भाई आज संगीता पूजा हो रही है तो भाई गर्मी में इनको नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ वैसे भी होली आने वाली है, भीग जाएगी तो क्या है। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो आपको स्ट्रेस फ्री महसूस होगा। एक दो घंटा आपको पता भी नहीं चलेगा कब यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। और उसकी वजह है कोएफिशिएंट, तो इनकी आदत है भाई
ये देखिए, ये हाथ से भी आके दाना खा लेते हैं। रेड टेल जैन गोरामी है, वो बहुत खूबसूरत है वो, अब मगर वो अंदर बैठी हुई है, बाहर नहीं आ रही है, पर वो बहुत प्यारी दिखती है। और कुछ हैं हमारे पास में प्री हिस्टोरिक फिशेस, जिसमें एलिगेटर फिश आती है, और आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ी है, करीबन 3 फीट का साइज़ है इसका, ये देखिए, ये है मॉन्स्टर। यहाँ से देखिए इसको, ये सोच रही है कि कुछ खाने का है, तो आगे आने लगती है, तो सब आ जाती हैं एक साथ। ये देखिए कितनी बड़ी हैं, ये 2-2 फीट की हैं, ये कोई 2.5 फीट है, कोई 3 फीट है, ये सबसे बड़ी है, ये इसका साइज बहुत ज़्यादा है, ये 3 फीट के आसपास है। अब ये सोचते हैं कि मैं कुछ खाना दे रहा हूँ इन्हें, पास में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब की देखभाल मुझे करनी पड़ती है, आदित भी हेल्प करता है भाई, ये छोटे वाले टैंक्स को आदित साफ करते हैं, और ये बड़े वाले टैंक को हम लोग साफ करते हैं। इनका सम फिल्टर है वहाँ पर, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका 1 घंटा भी 2 घंटे भी निकल जाएंगे, आपको महसूस नहीं होगा कि कितना आपने टाइम इनमें स्पेंड कर दिया है। और बाकी अगर आप पौंड बनाते हैं तो 10 फीट 20 फीट, मेरा जो ये पौंड है ये 10x22 है, ये काफ़ी बड़ा है इनके लिए, ह्यूज है इतना कि, और डेप्थ इसकी जो है वो 6 फीट है, तो इसमें फिशेस को मूव करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसकी ड्रेनेज जो है वो बॉटम से है, तो इसको सम फिल्टर से चलाते हैं। इसके लिए भी भाई मुझे बहुत टाइम लगा सब चीज़ सीखते हुए, कैसे इनको रखना है, क्योंकि पहले भी मैंने एक पॉन्ड बनाया, उसमें मैंने बनाया उसमें डेप्थ नहीं थी, तो फिशेस के लिए अच्छा नहीं था। फिर मैंने इसको शेड किया, क्योंकि अगर आप शेड नहीं करेंगे तो आपका पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, एल्गी इतनी हो जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे, फिशेस को कैसे, मतलब उनके पानी का वो कैसे मेंटेन करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप शेड करिए और उसके अंदर आप आराम से रख सकते हैं। और बाकी डॉग्स तो भाई सबको पता है कैसे पालना है क्या है, फ़िश थोड़ा सा इसके कम दिखाई देती हैं फिशेस जो हैं लोगों के पास, पर जैसे जैसे आजकल जो नई जनरेशन है भाई, उसको सारे पेट्स पसंद हैं, और हमें भी भाई सारे पेट्स पसंद हैं कोई भी हो। तो फ्रेंड्स, अब बारी है फिशेस की, और इनके सम फिल्टर को हम क्लीन करेंगे, और आदित इसमें मदद कर रहा है भाई बहुत। ये देखिए, अब इसमें आदित का काम है अंदर से सारी मैट्स निकाल के बाहर रखनी है, और मेरा काम है कि मैट्स को मैं क्लीन करूँगा, और उसके लिए हम अपना मोटर को इस्तेमाल करते हैं। अब इतना ठंडा नहीं है, नहीं ठंड हो रही है कोई, अब ये सारा काम भाई आदित का है, और उसके बाद क्लीनिंग का काम मेरा है। अभी पॉन्ड की रख दे यार यासी, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिख कैसा रहा है पॉन्ड हमारा इस समय, अभी ये इस तरह से दिख रहा है, पानी तो क्लीन है मगर अभी अंदर इसके बहुत ज़्यादा डर्ट जमा हो जाती है। तो ये पाइप्स इसमें लगा दिए हैं हमने कि इससे पानी जो है अब इस समय यहाँ पे रुक गया है और सम फिल्टर में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से अब हम यहाँ पे पानी कम करके और मैट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आवाज़ जल्दी जल्दी करो यार।
एक बैग 10-10 किलो की हो गई है पानी के साथ। वो भी जो गंदगी आ जाती है ना। लाभ कितने रह गए भाई? ये इतनी ढेर मैट्स हैं, इतनी ढेर मैट्स हैं जो अब हमें धोनी है। कम से कम 2-2.5-3 घंटे हमारे लगेंगे ऐसे धोने में। ये भाई सब इनमें गंदगी जमा हो जाती है, वो हमें सब क्लीन करके दोबारा से फिर लगानी है। अभी तक आ जाओ तुम भी। पहले ये बता, ये व्हाइट कपड़ा पहन के कौन ये काम करता है? सही बात है भाई, मैंने मना किया था इससे मत पहन व्हाइट। कब मना किया था आपने? सब उसका भी नहीं था। मैं नहीं साफ कर पाऊंगी, मैंने बता दिया मैं नहीं कर पाऊंगी इसे साफ। एक दिन ना थप्पड़ मारूंगी भी। तो मतलब देख नहीं सक रही थी इसमें ऐसा क्या है? बता व्हाइट कलर का पहन के टी-शर्ट बिल्कुल। मैंने कहा था बाबू मत करना। होली खेलो की? हाँ यार होली भी आने वाली है। हाँ यही गंदा पानी लाओ। यार अब तो गर्मी भी आ गई, कुछ शरबत अरबत जैसा कुछ पिला दो। चाय बनेगी? चाय बनाओगी? शरबत गर्मी में चाय पिला रही। इसका भाई निपट गया। अब ये मैंने धोने हैं सब। एक और होगी, एक और होगी। अब करो, अब हिम्मत है तो दिखाओ। चाय चाय उठा लो अपनी। तो भाई हमारा टी टाइम हो गया। इसमें पानी क्यों नहीं निकल रहा है? अगर मैं अभी नहीं आती तो तुम लोग खुद बना के पीते या मेरा इंतजार करते? इंतजार कर रहे थे भैया, क्योंकि आप ऐसे में हमको किचन में जाने देती नहीं। डाले भाई चाय। अगर घर गंदा हो गया तो अभी सारा धुलवाऊंगी तुम दोनों लोगों से। तो भाई पेट्स पालना इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है, उनके लिए काम बहुत करना पड़ता है। महीने में एक बार हमें अपने सारे फिल्टर्स को साफ करना पड़ता है, सारी मैट्स को साफ करना पड़ता है। और ये तो हमारी वैसी हैं, ये हम लोगों ने खुद बनाई हैं ये, क्योंकि याली मैट्स जो है जल्दी ख़राब हो जाती थी तो हम लोगों ने फिर इनको बनाया। यार लास्ट टाइम लल्लू में बनाई थी। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? लाइट चली गई। और लाइट ही चली गई, अब क्या करें? मैंने कहा था कि सुबह ही ये सारे काम किया करो तो ये तुम उठा जल्दी। ये सो रहा था बेचारा। ये देखिए क्या कर रहा है ये लड़का आज। एक घंटा हो गया लाइट गई। आज तुम लोग ऐसे ही बैठे रहो। आज खाना ना भी चार मैटे तुम लोगों के संग मैंने भी बहुत काम किया, इसलिए आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। शाम को खाना बाहर से खाना, ठीक है? इसने कौन सा काम किया भाई? बहुत काम किया मैंने। मैंने चाय बनाई, मोटर ऑन करी, चिड़िया बनाई। सुनो ये वाली सब साफ हो चुकी है और अब हमारी बस ये रह गई है और थोड़ी वुलन मैट रह गई है बस। ये अब हमारा फाइनल टच है काम का। ये
कि हमारी सारी मैटें क्लीन हो चुकी हैं। और वैसे हम लोग अपना जो हमारा जो वाटर का मैनेजमेंट है वो ये है हमारा कि हम पौंड का ही पानी इसमें इस्तेमाल करते हैं, उनसे मैटों को साफ करते हैं, बाकी का जो पौंड का पानी है वो गार्डन में यूज़ करते हैं और पौंड में हम नया पानी भरते हैं। और ये सब हमें हर महीने करना पड़ता है, वही पानी हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पानी को ज़्यादा बर्बाद करें। मतलब हमने अब चैन की सांस ली है, बस अब कुछ आदत गाड़ी वाड़ी धोने के लिए कह रहे हैं तो भाई अब लास्ट काम है हमारा गाड़ियाँ अपनी धोना सारी बस, और फिर हम फ्री। भाई अब लास्ट गाड़ी रह गई और हमारा काम हो गया। हमारा काम अब सारा हो चुका है, बस हमें क्या करना है, मैट्स को फिट करना है, जहां से निकाली थी वहीं वापस डालना है। मैट्स इस तरह से हमें लगानी पड़ती हैं। यहाँ ये यहाँ से पाइप हमने हटाया और अब यहाँ से और ये हमारा पानी यहाँ पर फिल हो जाएगा और जब इसमें मोटर चलेगी तो ये हमारा क्लीन हो जाएगा। अब पानी जो अभी ये छोटा मोटी गंदगी दिख रही है पानी के अंदर, ये सब साफ हो जाएगी। हमारा काम अब हो चुका ख़त्म और अब भाई चलते हैं बाज़ार। नहीं, पहले तो भाई नहा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं बाज़ार, कुछ खा के आते हैं बाज़ार। हाँ आते चलें फिर चलो। आज भाई इसने भी बहुत काम कराया है तो हम लोग दोनों जने गए हैं थक और संगीता भी आई, तो भाई अब संगीता से कहते हैं हम लोग जल्दी से नहा के फिर फटाफट चल क्लियरिटी देख जाए। जिम में सो गया बस। हाँ भाई आज हमारा जिम में सो गया और अब जल्दी से चलता हूँ। हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया फिशेस को अपनी, अब देखिए भाई फिशेस को भी कितना मज़ा आया। हमारा काम अब हो चुका ख़त्म और अब भाई चलते हैं बाज़ार। नहीं, पहले तो भाई नहा लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं बाज़ार, कुछ खा के आते हैं बाज़ार। हाँ आते चलें फिर चलो। आज भाई इसने भी बहुत काम कराया है तो हम लोग दोनों जने गए हैं थक, अब संगीता से कहते हैं हम लोग जल्दी से नहा के फिर फटाफट चलते। जिम में सो गया बस। हाँ भाई आज हमारा जिम में सो गया और अब जल्दी से चलता हूँ। अब देखिए भाई फिशेस को भी कितना मज़ा आया। चले चलो भाई हम, हाँ चाबी ले ली, पर भाई हम तो नहा धो के फिट हो लिए और मैंने इनसे कहा कुछ बढ़िया बना के खिला दो। भाई मेहनत हमने करी है, अब कह रहे हैं कि आज बाहर खाना खाएंगे, बहुत काम किया है। हाँ भाई काम हमने किया, बहुत किया मैंने काम आज। तुमने क्या काम किया? सबने देखा था मैंने काम किया था ना। बहुत चाय बनाई थी। चाय बनाई भाई आदित, आए नहीं यार तुम नहा के अभी तक। भाई ने वीडियो गेम खेलना है और क्या क्या लाए खाने का ये तो बताओ। चलो देखते हैं जो भी लेंगे। और तुम क्या खाओगी? हम भी वही खा लेंगे। चलते हैं और कोई अच्छी सी पाव भाजी या डोसा कुछ लेके आते हैं। आज आपको यहाँ की मार्केट दिखाते हैं। मार्केट दिखाते हैं, चलिए भाई। जल्दी से चलते हैं रेस्टोरेंट पे जहाँ से हमने लेना है, क्या लेना है, डोसा और पाव भाजी। तो भाई आदित्य की पाव भाजी पैक करानी है और हमारे हल्द्वानी में बहुत बढ़िया पाव भाजी बनाते हैं, पाव भाजी इनकी हमें बेस्ट लगती है। तुम तो कह रहे थे मोमोज नहीं खाऊंगा। हाँ मैं खाऊंगा ही नहीं मोमो। तो फिर क्यों खा रहे हो? पहले उस बच्चे को घुस दो।
मोमोज खाने हैं? मोमोज खा लो। दिवाली दिवाली आने वाली है। दिवाली लो, पहले मोमोज खाओ, पहले खाओ तब खा लो। स्कूल नहीं जाती हो? भाई आदित्य का आ गया पैक होके, और ये लो पिचकारी दे लो, लो पैसे खुद लेना जा करके, ठीक है? चलो भाई, ये ने पिचकारी चाहिए लड़की को, वो तो दिवाली बता रही थी। दिवाली बता रही थी यार, बच्चे हैं छोटे, ये खा ले फिर चले यार। है ठीक है भाई, डोसा खाने के लिए हमें हल्द्वानी से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है। जो लोग भाई हल्द्वानी से हैं वो जानते होंगे, उड़ीपी जाएंगे हम। और यहाँ यहाँ चलना है भाई डोसा खाने। क्या हुआ? तुम तो छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो, आज अपना किचन खोलो बनाओ चलो। इतना काम करके आया हूँ तो एक अच्छा डिनर तो डिजर्व करता ही हूँ। अच्छा, मैंने तो आदित्य से भी कहा था कि आ जाओ, पर आदित्य आया नहीं, बहुत थक गया था। आदित्य को पाव भाजी खानी थी और मुझे डोसा खाना था, तो भाई मैं डोसा खाऊंगा, पाव भाजी खाएंगे और तुम क्या खाओगे? हम भी डोसा खाएंगे। भाई कुछ नहीं खाएगा। आज है फास्ट, कैंपिंग के लिए जाती है तो इनका फास्ट होता है। चलो भाई हमारा हो गया, थैंक यू। अरे एक चीज़, इतना कैसे भूल गए तुम? आज क्या कहोगे? आज नहीं कहोगे ऐसी वादियों में आके? आज कहो ऐसे होटल में आके खाना खा के मजा आ जाए। सही उठाओ उठाओ प्लेट उठाओ अपनी फटाफट। ऐसे होटल में आके नहीं, दिन भर काम करके और रात के डिनर में ऐसा डोसा मिल जाए, और क्या चाहिए भाई जिंदगी में, मज़ा आ गया। ये देखो भाई इनकी प्लेट, बिना डोसे की प्लेट। नहीं मेरा नहीं है ये कुछ भी। अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज़ लाइक करिएगा, और नहीं लगी है तब भी लाइक कर दीजिएगा, इस बार तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा मेरे कहने पर। तो देखती हूँ इस बार कितने लाइक मिलते हैं। ज़्यादा शायद मिल गए भाई, 20 लाइक तो होने चाहिए। 20 नहीं, 20,000 हो जाए तो। अब हम घर पहुंच चुके हैं, और आप लोगों ने देखा भाई पूरा दिन हम लोगों का आज कितना बिजी शेड्यूल था। पूरा दिन हम लोग बस काम काम काम, फिर लाइट चली गई, मैक्स को नहलाया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने अपनी गायों की सेवा करी, उसके बाद फिर इन्होंने भाई बहुत काम किया है। मैंने भी गायों की सेवा। हाँ काम तो इन्होंने भी किया वैसे, हाँ चाय बनाने। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ भाई, इन एडवांस हैप्पी होली। हैप्पी होली।